सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज, काफ़ी रिजेक्शंस के एक्सपीरियंस शेयर करे थे मैंने, बट मुझे काफ़ी लोग बोले कि भाई एक तो एक्सेप्टेंस का शेयर कर दो। तो ये है दिल्ली वाला, और काफ़ी लोगों के एक्सेप्टेंस हो रहे हैं अभी, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई में हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अभी जिसने मुझे रिसेंटली शेयर किया है, उन्होंने टिप्स भी दिए कि आप चाहो तो आप शेयर कर सकते हो। उन्होंने वीडियो तो नहीं भेजी, पर लेकिन बोला मैं वीडियो में कंफर्टेबल नहीं हूँ। सो दैट्स द रीज़न मैं आपको मैसेज में बता देता हूँ क्या हुआ था, कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सो ये मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ, स्टार्टिंग कैसे थी, कौन सी डेट थी, क्या टाइमिंग थी। सो गाइस, डेट थी 18th of April 2023। टाइमिंग थी मॉर्निंग 8 AM का इंटरव्यू था, दिल्ली कॉन्सुलेट था। फिर वीज़ा ऑफिसर को गुड मॉर्निंग बोला वीज़ा ऑफिसर ने। उसने फिर जो स्टूडेंट था उसने ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग ऑफिसर। फिर वीज़ा ऑफिसर का क्वेश्चन था वाई बिजनेस एनालिटिक्स। फिर उसका आंसर था, जो स्टूडेंट था, आई टोल्ड दिस विल एनहांस माई नॉलेज एंड प्रोफेशनल एंड गेटिंग इंटरनेशनल एक्सपोजर विद कॉन्फिडेंट। फिर शी इंटरप्टेड, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स विल टेक इट पर सेमेस्टर। फिर द आंसर वॉज टोल्ड 3। वीज़ा ऑफिसर सेड ओके। वॉट आर द सब्जेक्ट्स, डेटा माइनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। देन अगेन अ क्वेश्चन, वॉट इज़ अ इंटरेस्ट, डेटा माइनिंग, एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। फिर डेटा माइनिंग उन्होंने बोला कि मेरा इंटरेस्ट डेटा माइनिंग है, उस पर एक्सप्लेनेशन दे दिया उन्होंने प्रॉपर। फिर वीज़ा ऑफिसर था मेन टेक, तो उसने बोला यस ऑफिसर। फिर वीज़ा ऑफिसर ने, शी टुक माई पासपोर्ट एंड टोल्ड आई अप्रूव वीज़ा। फिर उसने बोला थैंक यू मैम। फिर उन्होंने टिप्स शेयर करी है प्रॉपर, उन्होंने बताया कि भाई, उन्होंने जो टिप्स दी मैं बताता हूँ। टिप्स दी कि नेवर वरी अबाउट रिजेक्शन, बी कॉन्फिडेंट, एंड अदर वेरी टिप इज रिस्पॉन्स योर आंसर विद नेचुरल टोन, डोंट फंबल, थैंक यू। सो रिजेक्शन के टाइम पे उन्होंने बोला कि रिजेक्शन की चिंता ना करें, बी कॉन्फिडेंट जब आप इंटरव्यू दे रहे हो। ये तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस सबसे पहले मैटर करता है, आपके आंसर से भी पहले मैटर करेगा, क्योंकि लोग स्टैमर करने लग जाते हैं, फंबल करने लग जाते हैं, डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो देखो, इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड अ काउंसलर। मतलब जैसे आप कोई कंसल्टेंसी में, मैं जैसे कोई कंसल्टेंसी जाता हूँ, तो वहाँ की जो मैम होते हैं, सर होते हैं, जैसे मुझसे पूछ लेते हैं, अच्छा आपका क्या इंटरेस्ट है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, आपका कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस हैं, आपका बजट क्या है, आपके स्पॉन्सर क्यों आएंगे। जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करता हूँ कोई कंसल्टेंसी से, तो एक काइंड ऑफ सेम ही होता है, बस एक थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है कि एक प्रोफेशनल इंटरव्यू हो जाता है वो, बट लेकिन आंसर्स और क्वेश्चंस यही होते हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता। बस थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी होती है, अगर आप प्रॉपर रिसर्च कर लोगे तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। देखो, अगर इन भाई का मुझे तो थोड़ा सा, जो ये ब्रदर है इनका, मुझे थोड़ा सा अच्छा ही लगा कि इन्होंने थोड़ी सी रिसर्च करके गए थे, इनको सब्जेक्ट्स के बारे में पता था, इनका इंटरेस्ट बिल्कुल क्लियर था कि मुझे डेटा माइनिंग करनी है। फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था डेटा माइनिंग पे, प्रॉपर इजीली सिंपल आंसर्स रखे थे इन्होंने, और ये बहुत अच्छा रहा, और फिर इनका वीज़ा एक्सेप्ट हो गया। तो गाइस, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ बिग आंसर्स और अजीब से वर्ड्स यूज़ करना, सिनोनिम्स यूज़ करना टू शो दैट वी हैव डन समथिंग वेरी गुड, इट डजंट मैटर, सिंपलिसिटी पहले रखो, वही आपको एक्सेप्टेंस लाएगी। सो गाइस, ऐसे ही मैं और लाती रहूँगा वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।